सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ते हो, जो काम दे रहे हैं वो करो, मॉड्यूल लगाओ, पीपीपी लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, मोर देन इनफ एनसीईआरटी पढ़ो बस और जाओ, मैं क्या नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बात मानो, बिल्कुल मानो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आपके पास। और प्लीज थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कंसंट्रेट होके पढ़ो, थोड़ा सा फोकस्ड रहो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सब दिन रात एक करने वाला नहीं होता नीट। नीट सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत चेक करता है, नीट नीयत मिलते जुलते शब्द है, एक वाई गायब होता है बस, एन डबल ई वाई ए टी नीयत, लिख दो वाई और ए, नीयत और नीट एक जैसे हैं। नीट भी नीयत चेक करता है आपकी, कि पढ़ने की नीयत जिसकी होती है वो सेलेक्ट हो जाता है, दिन रात एक नहीं करने हैं, ऐसा एग्जाम नहीं है ये, आपको बुरा लग रहा होगा सुन के कि इतना आसान भी नहीं है, मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा वो, कि आप ऐसे हो जाओ, इससे मुश्किल एग्जाम होते हैं दुनिया में, लोग वो भी क्रैक कर रहे हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ते हो, जो काम दे रहे हैं वो करो, मॉड्यूल लगाओ, डीपीपी लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, मोर देन इनफ एनसीईआरटी पढ़ो बस और जाओ, मैं कह रहा हूं नंबर आ जाएगा आपका, सिलेक्शन भी हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे आप, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मेरी बात मानो, बिल्कुल मानो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आपके पास समय बचेगा, और समय बचेगा तो आप पढ़ पाओगे, लेकिन अगर मिसमैनेज रही चीजें है ना, पहले वो चैप्टर छोड़ दिया, अभी ये चैप्टर छोड़ दिया, इसको आधा पढ़ लिया, बाद में पढ़ लूंगा ना, चीजों को सही मैनेज करो। मैं हमेशा से बोलता हूं कि काम ज्यादा होने से नहीं थकता आदमी, काम के मिसमैनेज होने से थकान आती है, मैनेज्ड नहीं होती है ना, अनियमितता से थकान आती है बेटा, काम ज्यादा होने से आदमी थोड़ी थकता है, मैनेज करो चीजों को पहले से, बेल ठीक है, शेड्यूल बनाओ प्रॉपर और पढ़ो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो आप लोग के सामने फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एडुका जोन का ये सैंपल पेपर, क्लास 12 का बायोलॉजी का है, तो आप इसे बेस्ट सैंपल पेपर समझो, और समझो नहीं ये है दरअसल ये बेस्ट सैंपल, इसके सैंपल पेपर में आपको 10 सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, मैंने मंगा रखा है बायोलॉजी का क्लास 12 का, तो आपको इसके में 10 सैंपल पेपर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट कंटेंट में दे दिया गया 10 सैंपल पेपर, और आगे मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें ना आपका एकदम लेटेस्ट 2020, पहले तो मैं फ्रंट कवर दिखाता हूँ, ये फॉर 2024 एग्जाम के लिए सीबीएसई क्लास 12 का, ठीक है, और आगे मैं चलता हूँ, इसमें सारा नोटिस दिया हुआ है जो कि सीबीएसई ने हम लोग को अपडेट करता है ना, वो ऑफिशियल साइट पे सारा उसका आपको मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे, और ना पैटर्न जो होता है ना सीबीएसई का, किस वे में क्वेश्चन पेपर आता है, सेक्शन वाइज वगैरह कितने मार्क्स मिलते हैं, असेसमेंट में इंटरनल, ये सब यहाँ पे डिफाइंड है, मतलब पूरा तुम्हारा कंप्लीट ये पैकेज है सैंपल पेपर, ठीक है, यूनिट भी डिवाइडेड है, टाइटल्स है, यूनिट है, सब चीज है, आई होप कि पहले तुम सैंपल पेपर में भी बनाओगे 10th क्लास में, तो ये तुम समझ पा रहे हो क्लास 12 वाले स्टूडेंट, और देखो इसमें क्या ना, इसमें 10 सैंपल पेपर सॉल्व सैंपल पेपर है, और यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी और ई दिया हुआ है, सेक्शन ए में आपको वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा आपको सेक्शन ए का यहाँ पे, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक नंबर वाला, उसके बाद सेक्शन बी में हम लोग जाएं, तो वही आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ आगे चले, और साथ में देखो इसमें एकदम आपको फील आएगा क्वेश्चन पेपर जैसा बनाते हो ना, जाते हो एग्जाम में बनाते हो, सेम उसी तरह का डमी समझो इसको, और अगर ये तुम 5 से 6 सैंपल पर हर एक सब्जेक्ट का बना लिए, तो तुम्हें 95 स्कोर से हर एक सब्जेक्ट में कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और देखो सेक्शन बी में आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, और आगे चलते हैं सेक्शन सी में आपका वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है, और सेक्शन डी में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका लॉन्ग टाइप का रहता है, मतलब क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन आता है, एक 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 ऐसे करके, एक 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 दो ऐसे करके, और सेक्शन ई आपका सबसे लास्ट सेक्शन जो कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो अगर ये तुम लगा लोगे तो बहुत ही अच्छा तुम्हारा स्कोर बूस्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, और साथ में बस ये क्वेश्चन नहीं आंसर भी आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो सारा सेशन रीजनिंग का सब चीज का डिटेल में आंसर, और बहुत ही मतलब स्पेसिफाइड पर्टिकुलर वे में दिया, ये नहीं एकदम लंबा लंबा लिख दिया गया, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जाओ अभी अमेजन फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से तुम इसे अपने लिए मंगा सकते हो, और एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, फेब के मिड तक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, डेट शीट बहुत जल्द जारी होने वाला है सीबीएसई ऑफिशियल साइट पर, जैसे होगा मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा, और जाओ उससे पहले आपसे लो, और सिलेबस को कवर करते के साथ पहले आपसे लगाते जाओ चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है, फिर हर एक इंडिविजुअली तुम चैप्टर से इंडिविजुअली क्लास के भी ले सकते हो, और या फिर कॉम्बो पैक आता है इसका पूरा उठा सकते हो, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सबका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, और अगर आपके जूनियर कोई भाई बहन है कोई भी हो तो उनको भी ये रिकमेंड कर सकते हो, क्लास 10th का भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न या फिर स्नैपडील पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से भी जाकर तुम ले सकते हो। देखिए सर ने बहुत जिन बात बोला इस वीडियो में, देखो मैं कुछ कोई भी कंटेंट ला रहा हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत जगह अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपका कुछ अच्छा हो जाए, मतलब कुछ आप चीज़ों को समझ जाओ प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से, और ये जो मोहित आदित्य सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन टीचर, यकीन बैच का ये वीडियो आपके लिए, तो इसमें यह है कि सर ने बोल रखा है कि नीट जो है ना उतना टफ भी नहीं है, तो मैं इस बात को मैं अग्री करूँगा, क्योंकि जानते हो पेपर साल बाई साल आपका बहुत ही आसान होते जा रहा है, अब अगर आप ड्रॉपर हुए तो आपको पता चला, अगर देखो अगर सीरियसली पढ़ने वाले हो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं पढ़े मतलब टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनका सही मन नहीं था बस ऐसे ही बैठ गए, तो वो इस वीडियो में कमेंट वगैरह मत करना, जो सीरियसली होंगे वो समझते होंगे मेरी बातों को, स्टेटमेंट होगी नीट ना पहले के मुकाबले थोड़ा ईजी होता जा रहा है, उतना डीप में क्वेश्चन तो पूछना नहीं है, आपको पता है, और सर जैसे बोल रहा है कि उतना भी टफ नहीं है, तो ये बात मैं अग्री करूँगा, उतना भी टफ नहीं है एग्जाम, तुम निकाल सकते हो, बस दो ही चीज़, तो मेनली दो चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये वर्ड सुने हो, ये स्टेटमेंट सुने हो, स्टडी मस्ट बट डिसिप्लिन इज फर्स्ट, और मैं हर एक फील्ड में बोलता हूँ, कि कुछ भी तुम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कि कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें डिसिप्लिन का अहम भूमिका होता है, डिसिप्लिन वे में नहीं होना तो
चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी, होंगी लेकिन टफ हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे थक जाओगे। सर अभी बहुत सही बात बोले एक चीज़ कि इंसान ज़्यादा काम करके नहीं थकता, वो चीज़ें रैंडमली आज ये कर लिया वो कर लिया, मतलब मिसमैनेज होता है, मिस टाइम को मिसमैनेज करता है, कुछ कभी कुछ कर लिए कभी कुछ कर लिए, इससे आदमी थकता है। अगर तुम डेली रूटीन या सिस्टमेटिक बना के रखो ना, ये करना फिर ऐसे करना इस टाइम पर ऐसे, तो वैसे एक स्ट्रेटजीज वे में बना के लोग कि रूटीन में मुझे चलना है तो तुम थकोगे नहीं। मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं ओपनली अपना डेली का खुद से बोल के देता हूँ कि मुझे ये करना है आज, ये करना है, टाइम का होता है कि ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, बट मुझे पता होता है कि ये करना, उसके बाद ही ये करना, उसके बाद ये करना, तो माइंड को मैं ये बोल देता हूँ, रात में सोने के पहले बोल रहा, कल सुबह उठो और अपने पहले पहले पढ़ाई ना करो, उसके पहले सारा दिन का शेड्यूल बना लो कि मुझे आज ये करना है, फ्लेक्सिबल टाइम रख लो, बट एक ये बना लो कि मुझे ये आज के टाइम पे खत्म करना है। ठीक है, फिर समझ गए, ये होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे पढ़ाई करते रहो, ठंड आ गई है, लेजी बना दूर रखना, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बहुत चलाऊंगा, तब तक के लिए बहुत अच्छे पढ़ा, ऑल द वेरी बेस्ट।